गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हूँ मैं बेंगलोर मेट्रो में, जस्ट अभी मेट्रो से निकल ही रहा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से स्टेशन के बाहर। और ये लगेज लेके चल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा भारी है, कम से कम 8-10 किलो से ऊपर ही होगा। तब से कंटिन्यू 3-4 घंटे से लेकर चल रहा हूँ। क्या आप भी लगेज को लेकर परेशान हो जाते हैं, और कहीं आप स्टेशन आते हैं तो बहुत पहले आते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा घूम लो, लेकिन लगेज की वजह से आप कहीं जा नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो देखते रहिए हमारी वीडियो, आपको बताता हूँ कि अभी तो मेरे पास सिर्फ एक बैग है। यदि आपके पास ट्रॉली है, बहुत सारी है और लगेज है, और आप परेशान हैं, मतलब कहीं घूमने के लिए जाने के लिए आपको लगेज से फ्री होना पड़ेगा ना, तो अभी बस एक प्रॉब्लम फेस करा, ये एक प्रॉब्लम थी जिसको अभी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। तो आपको इस वीडियो में बेसिकली दिखाने वाला हूँ कि आप ये लगेज रेलवे स्टेशन में कहाँ रख सकते हैं। जस्ट यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 9-10 की तरफ जाने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ से चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1, वहाँ पे पता करेंगे लॉकर रूम में रखने का क्या प्रोसीजर है, कब तक रख सकते हैं, कितने चार्ज लिए जाते हैं, वो सारा चीज़, ताकि आप भी आते हैं तो आप अपने लगेज को लेकर परेशान ना हो, आप आसानी से रख सकते हैं अपने लगेज को। तो कभी भी है तो मोस्टली आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही मिलेंगे ये सारी चीज़ें, जहाँ पे आप अपने लगेज को रख सकते हैं। फाइनली आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आते ही आपको यहाँ पे IRCTC के ये सारे फूड स्टॉल वगैरह मिलेंगे, काफ़ी मज़ेदार। और यहाँ पे देखते हैं लॉकर रूम आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको पेड एसी वेटिंग लॉन्च, ठीक है। यदि आप आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो आपको यहाँ पे पेड करके, कुछ पैसे पे करके आप यहाँ पे वेटिंग हॉल में रुक सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो मतलब जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहाँ से उतरा है वो देखिए, वहाँ से मैं डायरेक्ट स्ट्रेट ही आ रहा हूँ, तो रास्ता भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर जाना है। आपको मिलेगा किसी से भी, किसी स्टॉल वाले से पूछ सकते हैं, आपको वो बाहर जाके भी दिखाऊंगा। और ऐसे ही जैसे आएंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉक रूम, है ना। पहले 24 घंटे या उसके लिए 30 रुपया प्रति पैकेज, उसके बाद प्रति 24 घंटे या उसके बाद भाग के लिए 47 रुपया प्रति पैकेज। सो फॉर फर्स्ट 24 आवर्स 30 रुपीज़, फॉर ईच सब्सिक्वेंट 24 आवर्स 47 पर पैकेज। लैपटॉप रख सकते हैं सारा कुछ इसमें, इसे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अभी लगेज रख दिया, काफ़ी हल्का फील हो रहा है, उसके वजह से व्लॉग करने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि व्लॉग करने में एक हाथ आपको आगे फ्रंट रखना पड़ता है ना, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और एक रिसिप्ट हमें मिला है, कॉपी है और कुछ सारी चीज़ें हैं, तो मैंने पूछा कि लैपटॉप निकालने की ज़रूरत है क्या, तो लैपटॉप उन्होंने बोला ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पर हमने रख दिया है स्टिल। लेकिन यदि आप आते हैं तो उस पर आप कुछ लॉक वगैरह लगा सकते हैं, फिर आप आसानी से रख सकते हैं। ट्रॉली वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, ये आपके पास ट्रॉली है तो आप आराम से अंदर में रख सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी होगी कि एग्जैक्टली ये लॉकर रूम है किधर, मैं आपको आउटसाइड जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये आ चुके हैं मतलब जस्ट एंट्री पॉइंट में, जहाँ पे आप एंट्री करेंगे ना तो ये आपको स्पेस मिलेगा जहाँ पे थोड़ा स्टे वगैरह करने के लिए है थोड़ा सा, ठीक है।
आपको आउटसाइड जाते हैं जहाँ पे एंट्रेंस है इसका एग्जैक्ट एंट्रेंस पॉइंट, और वहाँ से दिखाते हैं आपको, वहाँ से आपको दिखाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में भी उतरने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको फूड लॉन्च दिखाया और ये एक मतलब IRCTC का दिखाया, फिर एक लॉन्च दिखाया, उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक रास्ता है जो आपको एंट्रेंस पॉइंट की ओर ले जाएगी, वहाँ उसको लेंगे तो आप डायरेक्टली लॉकर रूम की तरफ आ जाएंगे। किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो गार्ड होते हैं उनसे भी पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं फाइनली आ चुका हूँ आउटसाइड और आपको दिखाते हैं कि ये एग्जैक्टली है कहाँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन का भी नाम दिया गया है, जहाँ से मतलब KSR बेंगलोर के अंदर आप जाएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर, तो ये आपको फ्रंट गेट मिलेगा। देखिए ये है, ये फ्रंट है, ठीक है। यहाँ से आपको ऑटो स्टैंड और कैब वगैरह सब कुछ मिलेंगी। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो मेन आपको एंट्री पॉइंट में चले जाना है। यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक आपको अंदर जाने के लिए और मतलब क्लॉक रूम के लिए मिलेगा, और दूसरा रास्ता लेफ्ट साइड से चला जाएगा। तो दिखाता हूँ, ये एक चला गया लेफ्ट साइड रास्ता, ठीक है। ये आपको ले जाएगी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 में डायरेक्टली। तो इधर आप नहीं जाना है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह हैं, और सामने एक पॉइंट मिलेगा जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, और इसी से रास्ते से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी जा सकते हैं। तो यहीं पे आपको एंट्री करनी है, बड़ा सा बोर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे फिर से स्टॉल्स वगैरह आपको मिलेंगे, और यहाँ से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट जैसे ही लेंगे आपको मिल जाएगा क्लॉक रूम। तो ये था इसका कुछ पाथ, इसमें आप आसानी से यहाँ पे आते हैं और रख सकते हैं। मैंने अपना लगेज रख दिया है, अभी काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बना सकूं, व्लॉग बना सकूं, और जो भी एक छोटी सी हेल्प हो सकती है वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो यदि थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते जाएंगे जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सारा चीज़ आपसे शेयर करूँ, ताकि हमने जो फेस किया है आगे जाके कोई भी पैसेंजर फेस ना करे। आप अपना लाइक कमेंट दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। बेंगलोर रेलवे स्टेशन की बात ही अलग है, यहाँ पे जब आप आएंगे ना देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, रोज़ाना लाखों यात्री यहाँ से आना जाना करते हैं पैसेंजर्स। तो एक बड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड काफ़ी मज़ेदार दिखता है, देखिए। तो अभी कुछ देर के लिए दिया है हमने, अभी जा रहे हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिनर करने के लिए। डिनर करने के लिए भी यदि आप आते हैं यहाँ पे तो आपको बहुत सारे लाइक मिल जाते हैं। तो आपको आउटसाइड ही जहाँ से हमने एंट्री पॉइंट लिया वहीं पे एक हल्दीराम एक्सप्रेस है, तो वहाँ पे भी आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, और साथ ही डिनर का भी कुछ आइटम, तो उसका एक अलग से वीडियो बनाया है तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यदि आपको नियरेस्ट मेट्रो जाना है, मैजेस्टिक जानी है, वो सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और हेल्प से हो जाएंगी। अभी चल रहा हूँ डिनर के लिए, बने रहिए वीडियो में, उसके बाद मैं अपना लगेज लूँगा और देखता हूँ कि सारे सामान उसमें होते हैं या नहीं होते हैं। मैं रिस्क पे तो दे दिया है। यहाँ पे देखिए बाहर में भी आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, IRCTC का उधर भी है प्लेटफॉर्म के साइड में, और यही सेम इधर भी है, मसाला डोसा स्नैक्स टी कॉफ़ी समोसा सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, टेक अवे वगैरह भी है। तो यहाँ से अभी चल रहे हैं वही एक मतलब हल्दीराम में मैं जनरली खाता हूँ, नहीं तो ऊपर में और एक है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सारे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे चल रहा हूँ कुछ सिंपल कोई डिनर करूँगा, फिर यहाँ से अपना लगेज लूँगा। 9 बजे हमारी ट्रेन है, अभी बज चुके हैं 7:40, 8:30 अराउंड जो है अपना लगेज लूँगा, थोड़ा देर रख देता हूँ। और जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर आप चढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये मल्टी क्विज़िन रेस्टोरेंट, वेज एंड नॉन वेज, यहीं पे मैं जनरली जा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सारे आपको मेन्यूज़ मिल जाएंगे अच्छे खासे। लगेज देंगे ना तो आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा,
ठीक है, और आपको पेमेंट जब आप लगेज ले जाएंगे तब देना है, प्री पेमेंट आपको नहीं करना है, प्रीपेड नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, यहाँ से डिलीवरी करेंगे, जाएंगे उसके बाद वहाँ पे पेमेंट करेंगे, फिर अपना लगेज लेंगे। तो फाइनली आ चुका है, हमारा डिनर, करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। निकल चुका हूँ डिनर से, अब जा रहे हैं लगेज लेने के लिए, थोड़ा देर घूमूंगा आउटसाइड और फिर लगेज लेंगे और फिर हमारी ट्रेन है रात के 9 बजे। अब चलिए चलते हैं और अपना लगेज लेते हैं। यहाँ से देखने पर पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है अपना लगेज लेने के लिए। देखते हैं पहले पेमेंट लिया जाता है, उसके बाद कौन से प्रोसेस होते हैं, किस तरह से लगेज लाइक हमें वापस दिया जाता है, तो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे वीडियो में, बने रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं काउंटर में शाम होती है और ज़्यादा क्राउड बढ़ रही है, लोग अपना लगेज या तो यहाँ से लेके जा रहे हैं नहीं तो जमा कर रहे हैं, दोनों ही प्रोसेस मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, जमा भी कर रहे हैं। जा रहा हूँ लगेज लेने के लिए, स्लिप है मेरे पास, स्लिप आप भुलाइएगा नहीं, क्योंकि इसी को देख के आपके लगेज वापस मिलेगी। मैं आपसे फीडबैक शेयर करूँगा किस तरह से लाइक हमें दिया गया और कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ी, बने रहिए व्लॉग में। आज तो फाइनली बैग मिल चुका है और मैंने चेक किया, सारा चीज़ है हमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो वो दे रहे हैं बाद में जब आप लेने के लिए जाएंगे ना अपना लगेज, तो वो क्या कर रहे हैं कि एक टाइम मुझे अच्छा लगा जब आप अपना लगेज रखने के लिए जा रहे हैं तो वो आपके साथ जाएंगे, ताकि आप कोई किसी और का सामान या बैग वगैरह खोलो नहीं, तो आपके साथ जाते हैं अंदर। आपके साथ अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे आपके बैग में नंबर लिखेंगे और फिर लोकेशन देखेंगे कौन से लोकेशन में रखा है, ताकि उस बैग का या फिर उस सामान का नंबर, उस लोकेशन जो है आप उनके सिस्टम में फीड हो सके, ठीक है। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी जब इनिशियल में हमने अपना सामान रखा, उसके बाद जब मैं सामान लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे स्टाफ दो दो तीन तीन स्टाफ हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी हमारे साथ नहीं जा रहा है। आपको क्या है, बस स्लिप दिखानी है, आपको अमाउंट लगेंगे, हमें 30 रुपये चार्ज किए गए, क्योंकि 24 घंटे तक यदि आप रखते हैं तो 30 रुपये ही आपको लिए जाएंगे, 30 रुपये चार्ज किए गए बस। उसके बाद हमारे साथ कोई भी एंट्री नहीं हुआ, हमें बोला गया कि आप जाओ अंदर और जाके सामान ले आओ। मैं करीब कम से कम 5 से 7 मिनट रुका वहाँ पे, देखा अपने बैग से सामान खोला, चेन देखा कि सारे सामान हैं कि नहीं है, उसके बाद मैं वहाँ से निकला। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग जाएंगे, किसी का बैग ओपन है तो वहाँ पे कुछ निकाल के ले जाएं, या फिर अपने बैग के साथ में 2-3-4 बैग लेते जाएं, क्योंकि वो निकलते के टाइम में कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या सजेस्ट किया कि जो हमें स्लिप दी जा रही है वो स्लिप कम से कम बैग में, चाहे वो ट्रॉली हो चाहे कुछ भी हो, आप उसके साथ पिनअप कर दो, और पिनअप करने के बाद एटलीस्ट जब हम जा रहे हैं अंदर तो उसके बाद जो है एक कोई एक स्टाफ जाए हमारे साथ, या फिर वही जाए और उनको लोकेशन पता रहेगी, उस लोकेशन के हिसाब से जो है वो बैग हमारा फाइंड आउट कर ले, क्योंकि वो जो लोकेशन होता है ना लाइक D7 या कुछ भी, वो कॉलम नंबर अपना फाइंड आउट कर लेते हैं और ये फिर कॉलम नंबर कंप्यूटर में फीड करते हैं और वही कॉलम नंबर आपको रिसिप्ट में दी जाती है। तो अंदर जाएंगे और सिंपली वो मैच करेंगे हमारा जो रिसिप्ट है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, और फिर आपको लगेज दे दी जाएगी। इसे क्या है, सेफ है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इंडियन रेलवे के कोई भी स्टाफ देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, तो काइंडली सर यहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल कराएं। ये हमारा बस सजेशन है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, आगे कुछ और चीज़ें भी अच्छी हो जिससे यात्रियों को सुविधा हो तो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बहुत ट्रस्ट के साथ हम लोग अपना सामान रख के फिर कोई 24 घंटे के लिए, कोई 2 दिन के लिए यहाँ से जाते हैं ताकि आउटसाइड घूम पाएँ, चाहे कुछ कर पाए कुछ अर्जेंट चीज़ों की वजह से, लेकिन ये चीज़ें यदि पैसेंजर को फेस करनी पड़ेगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि आप कहीं क्लॉक रूम में जाते हो तो पूछो उनसे कि अभी मैं दे रहा हूँ क्या प्रोसेस है, और जब मैं लगेज वापस लूँगा तो क्या प्रोसेस है, क्या आपके साथ कोई अंदर जा रहा है देखने के लिए, ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप क्लॉक रूम में सामान रखना। तो आप यदि रखना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप पहले इन्वेस्टिगेशन कर लें, पूछ लें क्या क्या है वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह से सेफ है या नहीं है, तभी जाके आप क्लॉक रूम में सामान रखें, अदरवाइज आप रिस्क नहीं लें, मैं यही बोलूँगा। और बाकी यदि ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी कि हमारे वीडियो से कुछ चीज़ें हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।